हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज़ कौरगिल ने हौसला रख के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा बनी थी। इंटरव्यू के दौरान काफी बार रोती हुई शहनाज़ नजर आई थी। इन दोनों सोशल मीडिया पर शहनाज़ के रोने की वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी। अब इन सभी के बीचों बीच हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ कैसे चुप करवाते थे रोती हुई शहनाज़ को, बताते हैं आपको। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ शहनाज़ को चुप कराते थे ये बोलकर कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बंद कर देते हैं अब इंटरव्यू, कोई बात नहीं, ये सब दिलजीत दोसांझ कहकर चुप करवाते थे शहनाज़ कौरगिल को। हम आपको बताना चाहेंगे कि शहनाज़ गिल जो है इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ बातों को याद कर उनके साथ कुछ पलों को याद कर रो पड़ती थी। इसके बाद उनको दिलजीत इस तरीके से चुप कराते थे। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इस तरह अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।